हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन का वी हैव द क्वेश्चन सीरीज एंड इन द सेकेंड वीडियो वी विल टॉक अबाउट द जीएक्सपी सिस्टम। व्हाट इज जीएक्सपी सिस्टम? ओके, एंड व्हाट इज जीएक्सपी सिस्टम एंड नॉन जीएक्सपी सिस्टम। हम लोग दो चीजों को डिफाइन करेंगे कि जीएक्सपी सिस्टम, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन यू विल यू नो एनी टाइम यू नो फेस द इंटरव्यू, दैट टाइम मेजरली दे विल इन बेसिक इटसेल्फ दे विल आस्क यू हाउ यू डिफाइन जीएक्सपी एंड नॉन जीएक्सपी। मींस व्हेन यू दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। मीन्स आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिस भी चीज का एनालिसिस कर रहे हो, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ओके, सेकेंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंट सेफ्टी। ओके, पेशेंट की सेफ्टी क्या है? ओके, एंड थर्ड थिंग, they will always ask their data integrity. Okay, how you will define three things? Product quality, okay, patient safety and data integrity. Then nothing you should answer. Okay, मतलब ये objective types question होता है और you have to answer in objective and they will not ask you details. Okay, then next question हमारा आता है कि जीएक्सपी का असेसमेंट कैसे करते हैं। ओके, हाउ यू विल डू असेसमेंट ऑफ जीएक्सपी, मतलब आप जीएक्सपी का असेसमेंट कैसे करते हो। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज क्या करते हैं, आइदर वो सिस्टम जीएक्सपी है या नॉन जीएक्सपी है, इन से कैटेगराइज करेंगे। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या है? ओके, देन क्रिटिकल असेसमेंट जो हम लोग रिस्क असेसमेंट में करते हैं उन चीजों के बारे में जानेंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक यू नो रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड एसओएक्स एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, मैंने दो क्वेश्चन आपको बताया एंड थर्ड क्वेश्चन, what is the major difference? They will ask you what is the 20 difference between 21 CFR and EU annexure 11. EU annexure 11 क्या होता है? एक क्लाइंट का क्वेश्चन, जब आप 21 CFR की बात करते हो तो वो सिस्टम डिजाइन कंट्रोल होता है, 21 CFR पार्ट 11 सिस्टम डिजाइन कंट्रोल होता है, और जब आप ईयू एनेक्सर की बात करते हो देन यू हैव टू यू नो यूनिक आईडी पासवर्ड सिस्टम कंट्रोल होता है। ओके, एंड दैट प्रोसीजर कंट्रोल। ओके, हम लोग इसमें बात करते हैं। तो आपको मैंने तीन क्वेश्चन के बारे में बताया, जीएक्सपी नॉन जीएक्सपी क्या होता है, जीएक्सपी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, पेशेंट सेफ्टी के बात करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, एंड असेसमेंट ऑफ जीएक्सपी में हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट जीएक्सपी में आप लोग क्या करोगे, जीएक्सपी और नॉन जीएक्सपी का एक असेसमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या होगा वो डिफाइन करेंगे। ओके, एंड वी विल डिफाइन अबाउट क्रिटिकलिटी ऑफ द असेसमेंट। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में वी विल टॉक एंड एसओएक्स यू नो एप्लीकेबिलिटी क्या होगी एंड डिफरेंस बिटवीन द 21 CFR एंड EU annexure के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो 21 CFR जो होता है वो सिस्टम डिजाइन कंट्रोल होता है, 21 CFR पार्ट 11। बट जब आप EU annexure 11 की बात करते हो, ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिक आईडी पासवर्ड कंट्रोल प्रोसीजर सिस्टम। ओके, और प्रोसीजर कंट्रोल। ओके, थैंक यू।